क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक पीएनआर पर एक सीट कंफर्म तो दूसरी वेटिंग पर है? ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी या नहीं। बस आज की वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और साथ ही इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी बताएंगे। देखिए, अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर एक भी टिकट कंफर्म हो जाता है तो बाकी वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन एक भी टिकट कंफर्म ना होने की स्थिति में ऑनलाइन लिया गया टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर एक पीएनआर पर कुछ टिकट आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन और कुछ वेटिंग है, तब भी ऐसी स्थिति में यात्रा की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आपने एक भी टिकट रेलवे स्टेशन से खरीदा है तो ऐसी स्थिति में भी बिना एक भी टिकट कंफर्म हुए भी आप यात्रा कर सकते हैं। मगर हाँ, ऐसी सिचुएशन में आपको कंफर्म सीट नहीं मिलेगी। अब ये सब थी पीएनआर से जुड़ी कुछ बातें, लेकिन आखिर ये पीएनआर होता क्या है? तो आपको बता दें कि पीएनआर यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो बेसिकली 10 डिजिट नंबर होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर बुक ट्रेन टिकट पर इंडियन रेलवे द्वारा साइन होता है। पीएनआर आपको बुक ट्रेन टिकट का करंट स्टेटस दिखाता है, चाहे वो कंफर्म्ड वेट लिस्ट या आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है। तो अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो ऊपर दिए बातों का खास ख्याल रखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।